वैसे तो पूरा झारखंड राज्य पर्यटन से भरा हुआ है। उन्हीं पर्यटन स्थलों में से एक है सिमडेगा जिले में स्थित रामरेखा धाम, जो सिमडेगा जिला मुख्यालय से लगभग 26 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ सीमा से सटा हुआ है। राज्य का पावन रामरेखा धाम के प्रति लोगों की असीम श्रद्धा एवं आस्था जुड़ी हुई है। यह धाम जितना पावन है उतना ही मनोरम भी है। हरे भरे पहाड़ के ऊपर बसे यह रमणीक स्थान लोगों को बरबस ही अपनी ओर खींचता है। रामरेखा धाम में पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ सालों भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, लेकिन कार्तिक एवं माघ पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रहती है। रामरेखा धाम त्रेता युग के समय से जुड़ा हुआ है। यही वह पावन धाम है जहां भगवान राम, माता सीता एवं भाई लक्ष्मण के साथ वनवास काल की कुछ अवधि गुजारी थी। गुफा के अंदर छत में खींची गई लकीर ही रामरेखा कहलाती है। रामरेखा धाम में पौराणिक शिवलिंग, गुप्त गंगा, धनुषकुंड, सीता चौका, सीता चूल्हा एवं श्याम वर्ण शंख आदि देखने लायक है। विशालकाय गुफा में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, माता सुभद्रा, शिवलिंग, रामरेखा बाबा, देवराहा बाबा की प्रतिमा स्थापित की गई है। इसके अलावे धाम परिसर में ही विशालकाय गरुड़ स्तंभ, हनुमान मंदिर के साथ साथ रामरेखा बाबा की समाधि स्थल बनाई गई है, जहां दूर दूर से लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। रामरेखा धाम के निकटतम रेलवे स्टेशन राउरकेला रेलवे स्टेशन है, जो रामरेखा धाम से 95 किलोमीटर और रांची रेलवे स्टेशन से 185 किलोमीटर दूर स्थित है। अगर आप हवाई मार्ग के माध्यम से रामरेखा धाम में आना चाहते हैं तो निकटतम हवाई अड्डा रांची है। रांची और रामरेखा धाम के बीच कुल दूरी लगभग 185 किलोमीटर है। यह प्रमुख हवाई अड्डा भारत की सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डे से पर्यटक टैक्सी, बस किराए पर ले सकते हैं और रामरेखा